नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था और परिणाम आए थे, उनमें पंजाब में आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन बीजेपी जहां पे जीती है, यानी कि चार राज्यों में, वहां पर अभी तक कसमकस चल रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश में तो 25 मार्च को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हारे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को दोबारा बनाया जाएगा मुख्यमंत्री या नहीं बनाया जाएगा। तो विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि उनके सीएम होने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये सवाल ये उभरता है कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी को ही बीजेपी ने क्यों चुना, जबकि वो चुनाव खटीमा से अपना हार गए थे। ये बात अलग है कि पार्टी वहाँ पे सत्ता में आ गई थी। तो आपको बता दें कि पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी ने 2 सीएम बदले थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला था और फिर तीरथ सिंह रावत को, और उसके बाद बनाया था इनको, यानी कि ये तीसरे सीएम बने थे पिछले साल जुलाई में। इनकी खासियत ये है कि कम बोलते हैं, और उन दोनों नेताओं के साथ दिक्कत ये थी कि तीरथ सिंह रावत उत्पटांग बयान देते थे, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होने लगा था, तो उनको बदला गया था। उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चार धाम को लेकर के जो सरकार के नियंत्रण में उसको ले आए थे, उसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी और उनकी कुर्सी संकट में पड़ गई थी। तो पुष्कर सिंह धामी का बैलेंस होना, कम बोलना काम ज़्यादा करना, ये उनके हक में गया है। अभी तक उन्होंने जो लगभग 9 महीने तक शासन चलाया, ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भाया, और जब उनका विरोधी खेमा ज़्यादा एक्टिव हुआ तो बजाय कहीं सिफारिश करने के, ये सीधे अनिल बलूनी के साथ जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और इन्होंने अपना पक्ष रखा था। चूंकि बीजेपी अब जिस दौर में प्रवेश कर रही है, उसमें 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दे रही है, युवाओं पर और महिलाओं पर। आप पाएंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या गोवा में या मणिपुर में, जहाँ जहाँ सरकार गठित होने जा रही है, शपथ लेने जा रही है, वहाँ पे लिस्ट में इनके नाम की भरमार रहने वाली है। दरअसल ये जो इनको रोका जा रहा था, उसमें फार्मूला जो था वो कहीं ना कहीं प्रेम कुमार धूमल वाला आड़े आ रहा था हिमाचल प्रदेश का। 2017 में बीजेपी हिमाचल प्रदेश में आ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे, लिहाजा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। यही विरोधी तर्क दे रहे थे कि एक ही पार्टी में 2 उदाहरण कैसे हो सकते हैं। तो ये बात शायद भूल गए कि नए दौर की बीजेपी है, जिसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, और हर वो फैसला करेंगे जिससे कि पार्टी मजबूत हो और 2024 में फिर से रायसीना हिल्स पे पहुंचने में आसानी हो। उस लिहाज से पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे थे, इसीलिए इनको चुना गया है। बैलेंस होना, कम बोलना काम ज़्यादा करना, विवादों में न पड़ना, ये इनके लिए प्लस गया है। अब बात आती है कि जो विधायक नहीं है वो कैसे जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो इनके लिए पहले ही कई विधायक पेशकश कर चुके हैं कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, यानी कि ये दोबारा चुनाव लड़ेंगे और फिर उनके मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद चुनाव लड़ेंगे। उसमें प्रोविज़न ये होता है कि 6 महीने के अंदर जो है आपको विधायक बनना होता है, सो वो बन जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि तैयारी जहाँ कहीं भी हो रही है और नेता चुना जा रहा है, वो 2024 के मद्देनज़र हो रही है, और उसमें कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी फिट बैठ रहे हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए।